हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है सही खेल गया लड़का स्टोरी टाइम। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर उससे पहले यस, अगर आप चैनल पर पहली बार ही आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद ना बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। और हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट सबके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी टाइम वीडियो। ऐसा कैसे बोल रहा है? माफ कीजिएगा, कभी कभार थोड़ा सा इधर उधर निकल जाता हूँ। तो आज की स्टोरी टाइम वीडियो मैं एक शायरी के साथ शुरू करना चाहूंगा। तो अर्ज क्या है कि जब जीवन में कुछ गलत होता है, गौर फरमाइएगा कि जब जीवन में कुछ गलत होता है तब जीवन में सब गलत होता है। I have no idea मैंने क्या बकवास बोल दिया। See what I'm trying to say is I tried so hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. In the end, it didn't make sense. आप मेरी सिंगिंग पर मत जाइए, आप शब्दों पर जाइए। कि जब जीवन में कुछ गलत होता है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए सब गलत ही होता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आज से एक हफ्ते पहले मेरा ग्राफिक कार्ड चलना बंद हो गया, जिसकी वजह से ऑब्वियसली सिस्टम चलना बंद हो गया। मेरा ग्राफिक कार्ड वारंटी के बाहर है तो मैं इसको रिप्लेस भी नहीं करा सकता। नया ग्राफिक कार्ड मैं अभी ले नहीं सकता क्योंकि भाई लॉकडाउन की वजह से प्राइसेस 3 गुना हो रखे हैं। जो 1.25 लाख का ग्राफिक कार्ड है वो 3 लाख रुपए का मिल रहा है। नॉर्मल बिना ग्राफिक कार्ड के भी जो इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड होता है इंटेल एचडी वाला, उस पे सिस्टम रन कर रहा था मैं, तो उसमें भी स्पार्क हो गई, वो भी चलना बंद हो गया। इसके बाद मैंने अपना पूरा का पूरा सेटअप अपने पुराने वाले सिस्टम पे कनेक्ट करा कि चलो टेम्पररी टाइमिंग पुराने सिस्टम पे काम चला लेते हैं। उस पे मैंने डीएसएलआर प्लग इन करा तो भाई डीएसएलआर भी नहीं चल रहा। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुमको ये सारी फालतू की बकवास क्यों बताई। ऑब्वियसली आज की स्टोरी से इसका कुछ लेना देना है ऐसा तुम्हें लगेगा, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बस थोड़ा सा रोना आ रहा था तो मैं फालतू में रैंट कर रहा हूँ। एनीवेज अब आते हैं हमारी आज की स्टोरी पे। तो ये बात है उस जमाने की। तो तुम्हें याद होगा आज से कई वर्ष पहले एक ऐसा वक्त था जब इंसान बाहर घूम फिर सकते थे, हम हमेशा से ऐसे अपने घरों में कैद नहीं थे। जी हाँ, ये उस समय की बात है। तो 8 बजे ना रात को मेरी बॉक्सिंग की क्लास हुआ करती थी एंड 7:45 पे मैं अपने घर से निकला और मैं नीचे गया, गेट पे मैं पहुंचा हूँ एंड वहां पे गेट कीपर जो है हमारे अपार्टमेंट का, वो मुझे कहता है कि अरे भाई यार, वो वहां पे बाहर बच्चा एक खड़ा हुआ है, तुझसे कब से मिलने की कोशिश कर रहा है, जा उससे मिल ले। तो मैंने देखा अपार्टमेंट के गेट के बाहर एक लड़का खड़ा हुआ था। मेरे को देखते वो लड़का ऐसा भाग के आया और ऐसा आके मेरे को हक करके, थोड़ा सेंटी सा था यार वो लड़का। तो मैंने कहा अरे अरे भाई तू रोने क्यों लग गया, मुझे लगा यार मे बी ही इज बीन वेटिंग काफी देर से, इसलिए ऐसा मिलने के बाद थोड़ा सा इमोशनल हो गया। तो मैंने ऐसे उसको थोड़ा सा शांत करवाया, मैंने कहा क्या हो गया भाई, तू इतना ऐसा परेशान सा क्यों रहा है। तो उस लड़के का नाम हम इस वीडियो के लिए बोलते हैं हल्दीराम। मेरे सामने हल्दीराम का एक रैपर पड़ा हुआ है इसलिए हल्दीराम। फिर मैंने हल्दीराम को शांत करवाया एंड मैंने बोला यार मेरी तो क्लास का टाइम हो रहा है तो मुझे निकलना पड़ेगा, तो आजा जल्दी से फोटो वगैरह खींच लेते हैं। वो कह रहा है भैया मेरे पास फोन ही नहीं है फोटो खींचने के लिए। तो ओके, मैंने कहा चल ठीक है फिर मैं जाता हूँ। कह रहा हाँ आप जाओ, मैं वेट कर लेता हूँ यहाँ पे। वेट क्यों कर लेता हूँ, मतलब अभी तुझसे बातचीत कर ली मैंने, हम मिल लिए, अब तू घर जा। वैसे भी मेरे को जिम से वापस आते आते 10 बज जाएंगे, कम से कम 2 घंटे लगेंगे, तो 2 घंटे यहाँ पे क्या करेगा। वो सामने से कहता है मेरे और कुछ है ही नहीं करने को, आप जाओ मैं यहीं वेट कर रहा हूं। मैंने कहा भाई ऐवी कुछ भी बोली जा रहा है, ऊपर से मेरा जो जिम का पार्टनर था वो अपनी गाड़ी में बैठा हुआ अपार्टमेंट के गेट के बाहर, भाई हॉर्न मारी जा रहा है, हॉर्न मारी जा रहा है। तो मैंने उसको बोला कि चल ठीक है ब्रो मैं निकलता हूं एंड मैं उसके बाद अपनी जिम की क्लास के लिए चला गया। 10 बजे जैसे ही मैं अपार्टमेंट में एंटर करने लगा हूं, हल्दीराम अभी भी वहीं पे खड़ा हुआ था। एक सेकंड, तब तो मेरे को लग रहा था ये बच्चा ऐसे ही बोल रहा है, मजाक में बोल रहा है कि मैं यहीं आपकी वेट करूंगा, बट ये एक्चुअली में सीरियसली यहीं पे बैठा हुआ है। एंड वो साइकिल लेके आया हुआ था, उसने अपनी साइकिल ऐसा दीवार के वहां पे सटा रखी थी और गार्ड भैया के साथ वाली सीट पे बैठा हुआ है ऐसा सर झुका के एकदम। मैंने कहा भाई हल्दीराम तू अभी तक यहीं पे है? कह रहा भैया मैंने आपको बताया तो था कि मेरे पास और कुछ है ही नहीं करने को, मैं कहां जाऊं। इसके बाद जो बात बोली ना उसने मेरे को, आई स्वेयर मेरी ना फट गई कसम से, मेरे को गूज़बम्प्स आ गए। वो लड़का मेरे को कहता है कि भैया मैं तो मेरठ से आया हुआ हूँ, बाय द वे माइंड इट मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली से मेरठ एटलीस्ट बाय कार कम से कम 2 से 3 घंटे का रास्ता है। मैं हंसने लग गया, मैंने कहा मेरठ से क्या साइकिल पे आया है? तो कहता है हाँ। क्या
कह रहा हाँ भैया मैं सुबह 6 बजे का अपने घर से निकला हुआ हूँ एंड अभी मैं यहाँ आपके यहाँ पे पहुंचा हूँ। तो इट वॉज नॉट वेरी सरप्राइजिंग कि उसको मेरा एड्रेस कैसे मिला क्योंकि मेरा एड्रेस एक दो बार लीक हो गया था। देखा अपने लापरवाही का नतीजा। बट आई वॉज लाइक तू मेरठ से यहाँ पे साइकिल चला के आया क्यों है? What do you want? तो कह रहा है भैया मेरे पापा मेरे को YouTube नहीं करने देते इसलिए मैंने घर छोड़ दिया। What? मैं सुबह 6 बजे अपने घर से खाने का सामान लेके और 100 रुपए लेके निकला हुआ हूँ साइकिल से और मेरे को नहीं समझ आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ तो मैं आपके यहाँ पे आ गया। तो भैया अब आप ही मेरी कुछ हेल्प करो। आई वाज लाइक मैं क्या तेरी हेल्प करूँ एंड ये तू कितने साल का है? तो वो कहता है मैं 17 साल का हूँ। मैंने कहा ब्रो तू अंडर एज है, यू आर नॉट इवन 18, तू अपना घर छोड़ के रात के 10 बजे मेरे भरोसे पे मेरे अपार्टमेंट में मेरे घर के नीचे खड़ा हुआ है, तू घर छोड़ के आया हुआ है, तेरे मम्मी पापा को नहीं पता है तू कहाँ पे है, तू पागल है क्या? लाइक व्हाट आर यू इवन डूइंग? मैंने कहा भाई तू मेरे को फोन दे अपना। कह रहा मेरे पास फोन है ही नहीं। मैंने कहा अच्छा एक काम कर अपने मम्मी पापा का नंबर दे मैं उनको फोन करके बताता हूँ। तो कह रहा भैया नहीं मेरे पापा को फोन मत कर देना गलती से वो मेरे को जान से मार डालेंगे। यार मैं स्टंड एकदम, मैं क्या करूं, व्हाट एम आई सपोज टू डू? मैंने थोड़ा सा अपने आप को शांत करा और मैंने बोला भाई हल्दीराम सीन क्या है मेरे को स्टार्टिंग से बता। तो कहते हैं भैया मैं GTA 5 फोन पे खेलता था, उसकी वीडियोस डालता था YouTube पे, मेरे एक हफ्ते में 200 सब्सक्राइबर्स हो गए थे, बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा था चैनल, लेकिन मेरे मम्मी पापा जो है वो YouTube के खिलाफ है और मेरे भाई ने ना चुगली कर दी कि बड़ा भाई चैनल चला रहा है। तो मेरे पापा को जब ये बात पता चली उन्होंने मेरा चैनल नहीं डिलीट कर दिया, मुझसे मेरा फोन भी छीन लिया। लेकिन भैया मैं ना ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहता हूँ, इंडिया के लिए मेडल लाना चाहता हूँ, पर मेरे पेरेंट्स मेरे को सपोर्ट नहीं करते भैया, भैया मैं क्या करूं? और रो ही जा रहा है एंड फिर कहता है इसीलिए मैंने गुस्से में आके घर ही छोड़ दिया। सबसे पहले तो मैंने जोर का एक फेस पाम करा, लेकिन फिर मैंने इस लड़के को समझाया। मैंने कहा भाई एक बात बता, तेरे पेरेंट्स जो है वो थोड़ी सी पुरानी थिंकिंग के हैं? कह रहे हाँ भैया। मैंने कहा देख तो अगर तू उनको एकदम से ये बात बोलेगा कि मेरे को यूट्यूबर बनना है, वो भी तेरी स्कूल लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट ईयर में, 12th क्लास में है तू ब्रो, इस टाइम पे आके तू उनको एकदम से बोलेगा कि मेरे को यूट्यूबर बनना है, भाई कैसे मानेंगे? कोई भी पेरेंट्स कैसे मानेंगे यार? 12th क्लास में अच्छे नंबर ला के दिखा, पेरेंट्स को खुश कर दे, उसके बाद जब तू कॉलेज में जाएगा हॉस्टल में रहेगा तब बनाना वीडियोस, तब तेरे को कौन रोक रहा है? ठीक है अगर उनको लगता है तेरे को पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए तो डू दैट, पेरेंट्स को अपने कॉन्फिडेंस में लेना। जब मैंने अपनी जॉब छोड़ने की बात करी थी और मैंने बोला था कि पापा मैं इतना अच्छा पैकेज वाली जॉब छोड़ के मैं यूट्यूब करूंगा, मेरे पेरेंट्स भी नहीं माने थे। आज वो मेरे को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो विद टाइम चीज प्रूव करी मैंने उनको। बट स्टार्टिंग में मेरे पापा ने भी मेरे को डांटा था, उन्होंने तब मेरे को एक बात बोली थी कि तू इस चीज को पार्ट टाइम कर एंड विद टाइम मे बी ये तेरा फुल टाइम बन जाए। चीजें प्रूव करनी पड़ती है, चेंजेस धीरे धीरे लाने पड़ते हैं, एक रात रात में चेंज नहीं होता, इतिहास रातों रात नहीं बचा जा सकता। उसको मैंने लेजिट एक घंटे तक अपने गेट पे खड़े होके मेरे मम्मी का फोन बजी जा रहा है एंड उस लड़के को एक घंटे तक लेक्चर दिया। फिर उसके बाद मैं उस लड़के को अपने घर पे लेके गया, मैंने उसको वहां पे खाना ऑफर करा पर कह रहे नहीं भैया नहीं खाना नहीं मैं खाऊंगा। उसके बाद मैंने उसको थोड़ा बहुत स्वीट्स वगैरह खिलाई, उसके बाद मैंने उसको पैसे दिए एंड मैंने प्रॉमिस लिया उससे कि तुझे मेरी कसम है अब तू सीधा बस में बैठेगा एंड घर जाएगा। लेकिन फिर मैंने उसको पूछा, मैंने कहा यार एक बात बता कि तू अगर अब घर जाएगा तो तू घर वालों को क्या रीजन देगा कि तू कहां था सुबह से? तो कहता भैया वो कोई टेंशन नहीं है, मैं एक काम करूंगा मैं अपनी साइकिल कहीं पे फेंक दूंगा और पुलिस स्टेशन चले जाऊंगा और वहां पे जाके बोलूंगा कि मेरे को किसी ने किडनैप कर लिया था। जितने शानदार विचार रखते हैं ये 17 साल का लड़का, इसकी सोच देखो कहाँ पे चल रही है। उसके बाद पैसे लेके वो जाने लगा तो मैं उसको बोलता रहा, मैंने कहा भाई अपना नंबर दे दे, एटलीस्ट मेरे को एक ये तसल्ली तो रहेगी कि तू घर पहुंच गया कि नहीं, तुझसे पूछ तो सकूंगा। बट उसने अपना नंबर नहीं दिया भाई, कह रहा है नहीं भैया अगर मेरे पापा को भनक भी लग गई ना कि ऐसा कुछ हुआ है तो फिर तो मैं कभी घर नहीं पहुंचूंगा, मेरे को जान से मार देंगे वो। मैंने कहा चल ठीक है। मैंने उस लड़के से एक वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई जिसमें वो बोल रहा है कि वो अपनी खुद की मर्जी से खुशी खुशी मेरे घर पे आया था, मैं उसको जबरदस्ती नहीं लेके आया और मैंने उसको बहुत ही प्यार से वापस रवाना कर दिया था। क्योंकि यार कल को अगर वो लड़का अपने घर ना पहुंचे या फिर घर छोड़ के भाग जाए तो पुलिस तो मेरे पास ही आएगी ना, कहीं ये तेरे साथ देखा था इसको आखिरी बार, तू ही है किडनैपर। मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करी थी बट आई विल ब्लर हिज फेस उसकी प्राइवेसी के लिए। जब ये चला गया उसके बाद मैं अपने पापा के साथ डिस्कस कर रहा था तो पापा और मैं यही सोच रहे थे कि शायद वो लड़का ना झूठ बोल रहा था कि यार मेरठ से साइकिल चला के आना कोई आसान बात थोड़ी ना है, मुश्किल भी है, पॉसिबल ही नहीं है, तो शायद वो झूठ बोल रहा था। लेकिन 2 महीने के बाद
वी हैड अ विजिटर, हमारे घर की घंटी बजती है एंड वही लड़का अपने पापा के साथ आया हुआ था एंड उसके पापा ने बताया कि वो गुरुद्वारे में सेवादार है एंड ये जो है ये यूट्यूब करता रहता है, अभी 12वीं में अपनी पढ़ाई छोड़ के यूट्यूब पे फोकस करना चाहता है, लेकिन शायद आपके बेटे ने, मेरी मम्मी को उन्होंने बोला कि शायद आपके बेटे ने इसको समझाया है जिस वजह से ये एक्चुअली समझ गया है एंड अब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाने लग गया है। एंड अंकल जो थे वो पैसे भी वापस दे रहे थे जो मैंने उसको तब दिए थे, बट मैंने कहा अंकल नहीं यार, इज लाइक माई स्मॉल ब्रदर, ऐसे आप शर्मिंदा मत करो, बस आई एम हैप्पी कि वो वापस घर चला गया एंड उसको समझ भी आ गई। तो या ये थी हमारी आज की स्टोरी टाइम एंड दिस वॉज genuinely one of the craziest experience I have had. So I hope you guys like this video and मेरा बस एक यही तुम लोगों के लिए suggestion और एक request है कि देखो YouTube करना चाहते हो बट अपने पेरेंट्स को खुश करके करो, पेरेंट्स को दुखी करके अगर तुम कोई चीज करोगे ना, आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। हमारे मतलब आपको लाइक द वीडियो, ऑन दैट नोट आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स ओ माय गॉड, जो इन्होंने बताया है रियली शॉकिंग था, तो मैं तो सोच भी नहीं सकती थी पहले शुरू में कि क्या हुआ है, मुझे लगा कि ऐसे कोई फैन है जो आप मिलने आया है फोटो खींचवाने या कुछ, पर जब पता चला कि वापस आया है और फिर भी वहीं बैठा हुआ है तब थोड़ा अजीब लगा, और फिर जब स्टोरी बताई कि पूरा पीछे का क्या है इट वॉज वेरी शॉकिंग। पर यह है कि कई बार बच्चे छोटे होते हैं उनको पता नहीं क्या राइट है रॉन्ग है, एक चीज उनको लगी कि मैंने करनी है और लगा कि पेरेंट्स जो है उसके खिलाफ है तो भाग के आ गए कि भाई आप हेल्प करो, पर लगता है इसका मतलब सच है कि मेरठ से सच्ची में बाइक में चला के चल के साइकिल चला के वो बच्चा आया, उससे ये भी दिखता है कि उसकी कितनी चाह थी कि मैंने इस लाइन में जाना है। पर यही है पेरेंट्स भी बिल्कुल ठीक है, उनका भी सोचना चाहिए कि उनको दिख रहा है कि एकदम से आप पढ़ाई बहुत क्रूशियल ईयर है आपका 12th ईयर, तो उस टाइम आप इसमें इस डायरेक्शन में जाओ तो आपकी पूरी लाइफ ही खराब हो जाएगी अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए। तो मेरे हिसाब से तो वही है कि आप पहले अपना एग्जाम दो, अच्छे मार्क्स लाओ और उसके बाद आपकी जब बीच में छुट्टियां हो रही हैं तब आप ट्राई करो और देखो कि क्या होता है, बीच बीच में पार्ट टाइम जैसे कहते हैं आप अपने फ्री टाइम में इसको करो और फिर देखो कि कहाँ पहुंचते हो। एंड यूट्यूब कोई मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके लिए वो एक लाइवलीहुड है, तो वो बहुत फ्यू लोग हैं, तो उन्हीं को देख के ये सोचना कि भैया हम इसी इस ये मैं इसी से अपनी कमाई करके जिंदगी करूं वो बहुत ही रॉन्ग डिसीजन है, बहुत कम लोग होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि बॉलीवुड में भी कितने लोग आते हैं एक्टर एक्ट्रेसेस बनने, पर कुछ ही फ्यू होते हैं जिनकी किस्मत चमकती है और वो बन जाते हैं, तो उसी तरह से यूट्यूब भी एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म है। तो अच्छा हुआ कि मुझे एंडिंग बहुत अच्छी लगी कि फादर भी खास आए और पैसे देने कितने अच्छे थे कि वो वापस पैसे भी देने आए, और ऐसे लगता है कि बच्चे ने सच बताया था अपने फादर को कि ऐसे हुआ, सब बता दिया इवेंचुअली, जबकि लग रहा था कि गफला होगा नहीं बताएगा, जिस तरह से उसने बोला था कि भाई पुलिस स्टेशन में बोल दूंगा मेरा किडनैप हो गया, उस टाइम मुझे लग रहा था भैया ये तो टू मच है, पर लगता है कि फिर फादर को बताया है तो अच्छी बात है कि किसी की उसने सुन के समझा वो और उसको रियलाइज हो गया कि क्या करना चाहिए। राइट, तो अच्छा था, अच्छी स्टोरी थी। उसमें पॉइंट ये था कि अगर आपका अपना बिजनेस है तो ठीक है, आप बिजनेस में ध्यान लगाइए और उसके बाद सोचिए कि आप और क्या कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस नहीं है तो आपको डेफिनेटली पढ़ लिख कर कोई जॉब करनी पड़ेगी या फिर आपको ज़िंदगी में कोई नई कंपनी खोलनी पड़ेगी, अगर उस तरीके से देखें उसके लिए आपको एजुकेशन की ज़रूरत है, बिना एजुकेशन के आप कुछ नहीं कर सकते, और एजुकेशन भी आपको दिल लगा के करनी है। अगर आप दिल लगा के एजुकेशन करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो आपके पास इतना हो जाएगा कि मिनिमम आप जो है इतना पैसा बना सकें कि आप आराम से जी सकें, उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको कोई भी एक्टिविटी करनी है, यूट्यूब वगैरह जो भी आप कर सकते हैं। ये सिमिलर है, जैसे वही पॉइंट था कि हमारे ज़माने से पहले के ज़माने में कि बच्चे भाग जाते थे और बॉलीवुड मुंबई चले जाते थे और मैक्सिमम लोगों कुछ नहीं बनते थे, कोई ना कोई छोटे मोटे काम करते थे, वेटर बना है कोई, कहीं छोटा मोटा एंटरटेनर बना है, साइड ही रोल मिल गया, बहुत ही गरीबी में जीते थे। तो एक बात अलग है कि आपका पैशन है, मगर मिनिमम बेसिक एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है, और आजकल मुझे तो लगता है कि बैचलर्स डिग्री मिनिमम है। एक ज़माना था जिसमें आप स्कूलिंग करते थे, बोलते थे चलो ठीक है, आजकल तो बैचलर्स मिनिमम है, तो मिनिमम आपको बैचलर्स करने के बाद ही आप परस्यू कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन तो चाहिए। अगर आप किसी भी चीज़ में, मान लीजिए आप यूट्यूबर भी बनना चाहते हैं मगर आपके पास बेसिक एजुकेशन नहीं है तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या आपको बहुत तकलीफ होगी आगे बढ़ने के लिए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने
पूरी एजुकेशन नहीं की, वो ठीक है, बहुत कम होते हैं जो लक्की होते हैं, या समय की बात है जिसे कहते हैं कि आप सही समय पे उस वक्त वहां पे थे तो आपका चल गया, उस वक्त ज्यादा लोग नहीं थे, कॉम्पिटिशन नहीं था, आप सही जगह पे सही वक्त पे थे तो आपका चल गया, हर एक के साथ ऐसा नहीं होता। तो यही मेरे ख्याल से ये भी बोलने की वही बात कह रहे हैं कि पहले पढ़ाई लिखाई में अच्छा करो, फिर सोचो क्या कर सकते हो, और अपने पैशन को परस्यू करो एज लॉन्ग एज कि तुम्हें इतना पैसा बना पाओ कि तुम खुद पे सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सको। बिल्कुल, तो चलो फ्रेंड्स चलते, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।